हेलो दोस्तों, मैं अनामिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल वो सुहाने दिन में, जहां हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक खास चेहरे की कहानी। जी हां, आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे हीरोइन के जीवन के कुछ पहलुओं से जिन्होंने हिंदी सिनेमा में बतौर स्टंट एक्ट्रेस से शुरुआत की और देखते ही देखते बन गई बॉलीवुड की मशहूर रोमांटिक हीरोइन। हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री मुमताज खान की। दोस्तों, मुमताज जी का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल सलीम अस्करी और माता जी का नाम शादी हबीब अघा था। बचपन से ही खुद को बड़े पर्दे पर देखने की चाह रखने वाली मुमताज ने महज 12 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू किया। 60 के दशक से ही उन्होंने बतौर बाल कलाकार हिंदी सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया था। उस दौर में मुमताज फिल्मों में एक्स्ट्रास के छोटे मोटे रोल निभाया करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा और मुमताज बन गई रेसलर से एक्टर बने मजबूत एक्टर दारा सिंह की हीरोइन। इसके पीछे दिलचस्प कहानी यह है कि दारा सिंह की कद काठी के चलते उनके साथ कोई हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते निर्माता निर्देशक को काफी परेशानी हो रही थी। उसी दौरान निर्देशक मोहम्मद हुसैन की नजर पड़ी मुमताज पर। उन्होंने तुरंत दारा सिंह से पूछा, क्या आपको ये हीरोइन अपने साथ सही लग रही है? जिस पर उन्होंने जवाब दिया, मुझे सिर्फ अपनी फिल्म से मतलब है, हीरोइन कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद मुमताज को मौका मिला फिल्मी दुनिया में बतौर लीड कदम रखने का। मुमताज और दारा सिंह की जोड़ी ने एक साथ कई एक्शन फिल्मों में काम किया, जिसमें टार्जन, सैमसन, हरक्यूल्स और आंधी और तूफान जैसे फिल्मों के नाम शामिल है। ये दौर पूरी तरह रोमांटिक फिल्मों का दौरा था, लेकिन मुमताज ने अपनी पहचान बतौर एक्शन हीरोइन के रूप में बनाई थी, जिसके चलते कोई भी रोमांटिक फिल्मों के निर्देशक मुमताज के साथ काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन सपोर्टिंग एक्ट्रेस की भूमिका निभाते निभाते मुमताज ने रोमांटिक फिल्मों में भी अपनी जगह बना ली। सन 1965 की फिल्म मेरे सनम में मुमताज जी का काम सभी को पसंद आया और देखते ही देखते उनको एक फिल्म और ऑफर हुई, जिसका नाम था राम और शाम। और इस फिल्म में मुमताज जी के साथ थे दिलीप कुमार, जिन्हें उस दौर में एक्टिंग की दुनिया का बादशाह माना जाता था। मुमताज का करियर ग्राफ अब ऊंचाइयों पर था। इसी बीच उनकी मशहूर एक्टर शमी कपूर जी के साथ नजदीकियों की खबर सामने आई। आलम ये रहा कि खबर आई कि ये दोनों बहुत जल्द शादी कर सकते हैं, लेकिन ये शादी हो नहीं पाई। मुमताज ने कई सालों बाद इसकी वजह का खुलासा किया। दरअसल शमी साहब ये चाहते थे कि मुमताज शादी के बाद घर पर ही रहे और फिल्मों से अपना नाता तोड़ दे, जो कि मुमताज को बिल्कुल गवारा नहीं था, क्योंकि वो समय था उनका करियर का शिखर पर पहुंचने का। इसी दौरान उनके अभिनय को परख सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब ने उनके फिल्मों में साथ दिया और सन 1969 में इनकी जोड़ी पर्दे पर आई फिल्म दो रास्ते में। इनकी जोड़ी को इस कदर सराहाया गया कि इसके बाद इन्होंने 8 फिल्में साथ करी, बंधन, सच्चा झूठा, दुश्मन, अपना देश, रोटी और आपकी कसम जैसी फिल्मों के नाम इन दोनों के हिट लिस्ट में शामिल हैं। मीडिया में ये भी बात सामने आई कि मशहूर एक्टर शशि कपूर साहब ने मुमताज के साथ काम करने से ये कहकर इनकार कर दिया था कि ये तो स्टंट फिल्मों की हीरोइन है। लेकिन जैसे जैसे मुमताज की जोड़ी राजेश खन्ना साहब के साथ हिट होती गई, उन्होंने मुमताज जी को अपने साथ काम करने की गुजारिश की और दोनों ने साल 1974 में फिल्म चोर मचाए शोर में काम किया, जो कि शशि कपूर के करियर की काफी हिट फिल्म साबित हुई। मुमताज जी ने अपने दौर में लगभग हर बड़े हीरो के साथ काम किया। उनकी जोड़ी धर्मेंद्र, फिरोज खान और विश्वजीत जैसे अभिनेताओं के साथ खूब जमी। यही नहीं, एवरग्रीन लेजेंडरी एक्टर
देवानंद साहब के साथ भी उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर काम किया। उन्होंने अपने 15 साल के फिल्मी करियर में लगभग 108 फिल्मों में काम किया। उनके निजी जीवन पर प्रकाश डालें तो साल 1974 में जब उनका करियर बुलंदियों के शिखर तक जा पहुंचा था, तब उन्होंने मयूर माधवानी से शादी कर ली और इस शादी से उन्हें दो बेटियां हुई, नताशा और तानिया, जिसमें नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे और एक्टर फरदीन खान से साल 2006 में हुई। शादी के बाद मुमताज ने फिल्मों से संन्यास ले लिया था, लेकिन 12 साल बाद इन्होंने फिल्म आंधियों से एक बार फिर बड़े पर्दे पर कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं सकी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से पूरी तरह दूरी बना ली। वक्त बीता और उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने घेर लिया, लेकिन उन्होंने इस बीमारी का भी डटकर सामना किया। मुमताज जी ने बॉलीवुड में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट से शुरुआत की और अपनी कड़ी मेहनत से बन गई एक सुपरस्टार अभिनेत्री। साल 1996 में उन्हें अपने काम के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मुमताज जी ने एक ऐसी अदाकारा के रूप में खुद को स्थापित किया जिनका नाम हिंदी सिनेमा में हमेशा गर्व से लिया जाएगा। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जल्द ही अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और अगर आप भी हिंदी सिनेमा प्रेमी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।